कैसे हो आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में वेलकम है। दोस्तों आज मैं आपको अपना यहाँ का मंदिर दिखाऊंगी और पास में हमारी मस्जिद पड़ती है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी बुआ जी के और ये रहे मेरी मम्मी जी। तो देखते हैं हमारी बुआ जी क्या कर रही है। ओहो सूट वाला आ रहा है, सूट ले रही हमारी बुआ। तो मम्मी को फोन करके बुलाया बुआ जी ने, चल लो तो फोन में मंड रही है। ये रही हमारे सूट वाला आ रहा और बुआ जी सूट ले रही है। देखो एक से एक सूट है यहाँ पे, ले ले सूट वाले तो बीड़ी पी रहे धुआं छोड़ रहे। नानू पता कौन से पे चलावे तो इनको यूट्यूब पे चलाऊ मारे मोबाइल पे लाखी ना आ जाएगी। यो तो आ जाएगी जी। नहीं ये सूट लिया है ऐसे ऐसे, ये तो रखा रखे थे। ये देखो कल भले निकले बुआ, ये रही मेरी बुआ। बुआ का हमने और बुआ जी मूला पेट के खड़ी है, सूट का भाव कर रही है। सूट का भाव ज्यादा महंगा है। ये रे सूट चार सूट है, ये दो सूट हमारे समझ में आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो कर लो लेगी। हम जा रहे हैं मंदिर में, सूट तो हमने ले लिया है। ज्यादा ही खड़दू उतार रहा। तो हम आपको अपने यहाँ का मंदिर भी दिखाएंगे और पास में मस्जिद पड़ती है उसको भी दिखाएंगे। मुझे सर्दी लगने लगी थी तो मैंने कार्डिगन पहन लिया अपना, क्योंकि शाम हो गई है और धूप डल गई है सारी। आज बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। और देखे हमारी बुआ जी को सॉल ओढ़ के आ रही है और कल्लो को देखो, कल्लो फोन चला रही है जी। फ्रेंड कल्लो का व्लॉग शुरू हो गया है अब। हमारी मस्जिद आ गई है, हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। हमारे गांव की छोटी सी मस्जिद, पहले मस्जिद आती है फिर थोड़ी दूरी पर मंदिर है। ये देखो अपना मंदिर दिखाते हैं। अब मंदिर आ गया है, ये मंदिर कैसे बना और कैसे कैसे करके यहाँ पर कितनी मुसीबत हुई, चलो आपको बताते हैं। अभी पर दुर्गा माँ का मंदिर है तो हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम माता जी को प्रणाम कर लेते हैं। माता जी प्रणाम। तो माता जी को हमने प्रणाम कर लिया है। फ्रेंड ये मंदिर हमारा यहाँ पे 12 साल में बनके तैयार हुआ था। इसका ये मंदिर था, उन्होंने 12 साल तक इसकी तपस्या की थी और अन्न का एक भी दाना नहीं खाया था उन्होंने, जब ये मंदिर जा करके बना। यहाँ पर ये तो है दुर्गा माँ का मंदिर और यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। ये रहा हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे है और शनि देव का मंदिर भी है यहाँ पे और काली माँ का भी है। तो सब दिखाएंगे हम आपको। और फ्रेंड हम इस मंदिर पे हर साल मेला भी लगता है छोटा सा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर छोटा सा मेला लगता है हर बार। और दशहरे के दिन यहाँ पर लगता है भंडारा, दशहरे वाले दिन यहाँ पर भंडारा होता है। दुर्गा माँ का मंदिर है और हमारी बुआ जी बताती है इनके टाइम पे यहाँ पर रामलीला भी होया करती थी और अब मेला लगता है। और ये मंदिर जो है अभी बनना रेडी हो रहा है, अभी मूर्ति नहीं रखी गई ना ही इसमें रखी गई है। ये वाला तो है बाबा, ये तो है हनुमान जी का और ये दुर्गा माँ का। दुर्गा माँ के मंदिर में तो रखी गई है मूर्ति और उधर जो देख रहे हैं ना आप, उसमें जो कली नहीं हुई है वो कमरा बन रहा है उधर, वहाँ पर है काली माँ का, तो वहाँ पर भी मूर्ति नहीं रखी गई काली माँ के मंदिर में। और ये देखो इस कमरे के सामने छोटी सी वैसे बना रखी है काली माँ की मूर्ति, ये देखो सामने ही है बिल्कुल जस्ट, है ना। तो ये बन गया है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, ये अभी चिनाई चल रही है इसमें। फ्रेंड यहाँ का छोटा सा मंदिर दुर्गा माँ का, ये देख सकते हो आप, है ना कितना अच्छा। फ्रेंड यहाँ पर बन रहा है शनिदेव का मंदिर, ये भी अभी बन करके रेडी नहीं हुआ है। और यहाँ पर सामने है पीपल का पेड़, इसको मानते हैं। बताना कि आपको हमारा मंदिर कैसा लगा और मस्जिद कैसी लगी। तो फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और माता रानी सबकी मनोकामना को पूरी करे, हम तो यही दुआ करते हैं बस। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।